हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो देखने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बराबर में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर देनी है। कैपकट ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ 6 फोटो सेलेक्ट कर देनी है। फिर 6 फोटो सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ नीचे कॉर्नर पर ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको पहली फ़ोटो पर क्लिक करके उसकी लेंथ आपको 6.9 सेकंड कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ सबसे लास्ट में कैपकट का वाटरमार्क दिख रहा होगा, आपको सिंपली डिलीट कर देना है वाटरमार्क। डिलीट करने के बाद आपको पहली फ़ोटो पर क्लिक करके उसमें इफेक्ट लगाने के लिए आपको पहली फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ स्टाइल दिख रहा होगा, आपको यहाँ स्टाइल पर क्लिक करना है। लेफ्ट जाकर आपको फ़ोटो फजल दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही जनरेटिंग करेगा, जनरेटिंग करने के बाद आपको नीचे कॉर्नर पर टिक दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक कर देना है और दूसरी फ़ोटो सेलेक्ट कर देनी है। दूसरी फ़ोटो सेलेक्ट करके दोबारा आपको स्टाइल पर क्लिक करना है और आपको लेफ़्ट जाना है। दोबारा लेफ़्ट जाकर आपको 3D जूम प्रो दिख रहा होगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। दोबारा जनरेटिंग के बाद आपको दोबारा वहीं क्लिक टिक पर क्लिक कर देना है। जनरेटिंग हो रही है, जनरेटिंग हो चुकी है, अब आपको टिक पर क्लिक करना है और तीसरी फ़ोटो भी इसी तरह स्टाइल में जाना है और 3D जूम प्रो पर जाना है दोबारा, और दोबारा आपको टिक पर क्लिक कर देना है। चौथी भी इसी तरह होगी जिस तरह आपने दूसरी और तीसरी की। सिर्फ पहली फ़ोटो आपको फ़ोटो फजल से करनी है, बाकी 5 फ़ोटो आपको 3D जूम प्रो से करनी है। ये भी 3D जूम प्रो से होगी और ये लास्ट फ़ोटो भी इसी से होगी। 3D जूम प्रो स्टाइल में जाकर लेफ्ट जाकर 3D जूम प्रो और टिक। सिर्फ पहली फ़ोटो आपकी अलग होगी, बाकी सब फ़ोटो आपकी सेम होगी। आपको आपको वीडियो में ऑडियो लगाने के लिए आपको यहाँ ऑडियो पर क्लिक कर देना है ताकि आपका म्यूज़िक आ सके। फिर एक्सट्रेटेड पर आपको क्लिक कर देना है और कोई एक म्यूज़िक आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर इम्पोर्टेंट साउंड ओनली पर क्लिक करके आपको देख सकते हैं आपका साउंड आ चुका है। अब आपको सिंपली वीडियो सेव करने के लिए एरो पर क्लिक करना है और वीडियो आपकी एक्सपोर्टिंग हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।